नेपाल में हुए विमान दुर्घटना में 18 लोगों की जान गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति जिंदा बचा है और वो विमान का पायलट है। पायलट मनीष रत्न शाक्य को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को भयावह विमान दुर्घटना में 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पोखरा जा रहे विमान में 19 लोग सवार थे और टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट को बचा लिया गया। इकलौते सर्वाइवर पायलट के रेस्क्यू की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें रेस्क्यू टीम उन्हें क्रैश स्पॉट से निकाल कर ले जाती दिख रही है। 37 साल के पायलट कैप्टन मनीष रत्न शाक्य खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि रेस्क्यू टीम उन्हें खाई से ऊंचाई की तरफ निकाल कर ले जा रही है। पायलट का चेहरा खून से सना है और उनकी यूनिफॉर्म भी खून से भीगी हुई है। हादसे में पायलट शाक्य की जान तो बच गई, लेकिन उनके को पायलट सुशांत कटुवाल और बाकी लोगों को बचाया नहीं जा सका। पायलट शाक्य को विमान के मलबे से निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि पायलट की आग जख्मी हुई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। कौन है मलबे से बचाए गए कैप्टन शाक्य? सौर एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक विमान के कैप्टन मनीष रत्न शाक्य विमान का पायलट होने के साथ साथ एयरलाइंस में ऑपरेशन के चीफ भी है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो 9 सालों से अधिक समय से एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सिमरिक एयरलाइंस के साथ 3 सालों तक काम किया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की है। उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही आग का गोला बना विमान। सौर एयरलाइंस के विमान बॉम्बडीर CRJ-200ER ने 11:11 पर रनवे 2 से टेक ऑफ किया था। उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही विमान रनवे 20 की पूर्व दिशा में खाई में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया से बताया कि प्लेन रनवे के दक्षिण ओर से टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही जहाज पलटा और झटके खाने के बाद जमीन से टकरा गया। पलक झपकने से भी कम समय में विमान में आग लग गई और वो खाई में जा गिरा। हादसे के बाद त्रिभुवन एयरपोर्ट काले धुएं से भर गया। विमान में सवार सभी 19 लोग सौर एयरलाइंस के स्टाफ थे, जो विमान को मरम्मत के लिए ले जा रहे थे। टेक ऑफ के बाद गलत दिशा में मुड़ा था विमान। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि विमान को वार्षिक मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत उड़ाकर चेक किया जा रहा था। प्राधिकरण के मुताबिक विमान गलत दिशा में मुड़ गया और क्रैश हो गया। विमान को टेक ऑफ के तुरंत बाद बाई तरफ मुड़ना था, लेकिन वो दाई तरफ मुड़ गया और क्रैश के बाद खाई में जा गिरा।